हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज अंकित तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टूडेंट लर्निंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड लेक्चर ऑफ द बायोलॉजी क्लास 9th वेयर नेम इज सेल व्हिच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिफोर इट इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन बाय विच यू कैन इजली गेन द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और क्या था। तो देखो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखा था सेल के बारे में कि सेल की डिस्कवरी की थी, सेल थ्योरी किसने दिया था, जो है वैक्सीन क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है ना, ऐसे तमाम सारी चीजों के बारे में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में हमने स्टडी किया था। उसके हम आप अगर प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो चीजों को क्लियर हो जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं वो आप ज्वाइन कर लेंगे, प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो आपको फील आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आप सेल के जो सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड है। तो देखिए, ये मैंने सेल बनाया। अब सेल जो है उसका जो सेंटर वाला हिस्सा है उसमें ऐसा मान लेता हूं कि ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबली मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। मैं एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ पाई जाती है सेल वॉल। क्या पाई जाती है? सेल वॉल। अब सेल वॉल सभी के अंदर नहीं पाई जाती है, सभी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट के अंदर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना होता है। अगर बात यूग्लिना की किया जाए तो यूग्लिना का जो सेल वॉल होता है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसे पैलेटिन कहते हैं। अगर बात फंगाई की किया जाए तो फंगाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। ऐसे कुछ अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर से बनकर के उनका सेल वॉल बना होता है। क्या होता है सेल वॉल? इट इज द जस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग विच विल प्रिवेंट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक, एयर करेंट, वाटर करेंट एंड एक्सटर्नल शॉक। ओके, इन सब चीजों से क्या कर सकता है सेल वॉल जो है सेल को बचाता है, ठीक है। तो ये रहा सेल वॉल के बारे में। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज सेल वॉल, तो सिंपली आप डिफाइन करिएगा कि इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड ऑफ द सेल विच विल प्रिवेंट सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक सच एज एयर करेंट, वाटर करेंट एंड एक्सटर्नल शॉक, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सेल वॉल। ये तो रह गई किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में जानकारी। अब हम सीखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है मैं आपको बता दूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इट इज अ थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच विल पैक द होल प्रोटोजोआ। प्लाज्म क्या करता है, ये थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो पूरे प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है, पैक्ड रखता है। तो ये दो तरह का हो सकता है, एक सेमी परमीएबल होता है, एक सेमी परमीएबल होता है और एक होता है सेलेक्टिव परमीएबल, है ना, सेलेक्टिव परमीएबल। थोड़ा समझते हैं क्या है। देखो बच्चों, जो सेमी परमीएबल होता है, सेमी परमीएबल का मतलब होता है कि इसे लिक्विड पास कर जाएगा लेकिन सॉलिड, यानी कि सॉल्वेंट पास कर जाएगा लेकिन सॉल्यूट नहीं पास करेगा। सॉल्वेंट मतलब लिक्विड और सॉल्यूट मतलब सॉलिड। अभी यहाँ हमारा यही सेंस है, लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं कि सारे सॉल्वेंट लिक्विड और सारे सॉल्यूट सॉलिड हो, पर अभी यहाँ जो बात कर रहे हैं वहां की बात करें तो सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड इसको पास कर जाएगा और सॉल्यूट जो है वो इसको पास नहीं कर पाएगा। उस तरह की मेम्ब्रेन को सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक होता है सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन, इसमें सॉल्वेंट ही जाएगा लेकिन सॉल्वेंट में भी कुछ कुछ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी स्किन है, तो स्किन पे ऑयल डालिएगा तो चला जाएगा लेकिन वाटर डालिएगा तो नहीं जाता। तो इट इज व्हाट, इट इज अ सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सेल वॉल एंड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल जो है वो हमारे बॉडी में अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल जो है
अलग अलग तरीके से सेल के अंदर काम करती हैं, जैसे कि कुछ सेल ऑर्गेनेल एक साथ काम करती हैं। जैसे एक बात करते हैं हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, तो आपको बता दें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कुल चार सेल ऑर्गेनेल एक साथ काम करती हैं। उनका क्या नाम है? एक नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक का नाम है गॉल्जी बॉडी, एक का नाम है लाइसोसोम, और एक का नाम है वैक्यूल। ठीक है, एक का नाम है वैक्यूल्स। ठीक है, तो दिस इज अ फोर सेल ऑर्गेनेल विच विल वर्क साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करते हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं बताता हूं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरह का होता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है या आपका न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस से सांप नुमाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकलता है। ठीक है ना, अब अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोजोम पाया गया, ठीक है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। यानी ईआर को दो भागों में बांटेंगे, आर ईआर एस ई आर, आर ई आर और एस ई आर। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज व्हाट? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम इज फॉर्म्ड, on the rough endoplasmic reticulum ribosome is formed and the function of ribosome is protein synthesis। ठीक है, जो ribosome का काम होता है वो protein बनाने का काम होता है, इसलिए rough endoplasmic reticulum पे protein बनता है। अगर smooth endoplasmic reticulum की बात करें तो ये steroid hormone और fat की synthesis या lipid की synthesis करती है। lipid और fat दोनों same ही चीज होता है। ठीक है, fat या lipid की synthesis करती है। तो दिस इज अ मेन थिंग अबाउट, वी हैव टू फोकस योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानकारी रहा, जिसमें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉयड हार्मोन और लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है। बात को और आगे बढ़ाया जाए और चीजों को फील किया जाए, तो अब इसके बाद क्या होगा? गॉल्गी बॉडी का नंबर आता है। क्या करती है गॉल्गी बॉडी, मैं आपको बताता हूँ। गॉल्गी बॉडी के बारे में अगर बात किया जाए, तो उसके बारे में पहली बार जिस साइंटिस्ट ने जानने की दुस्साहस की थी, उस साइंटिस्ट का नाम था गॉल्गी बॉडी, कैमेलियो गॉल्गी। क्या नाम था? नाम था कैमेलियो गॉल्गी। ठीक है, कैमेलियो गॉल्गी नाम के साइंटिस्ट ने गॉल्गी बॉडी के बारे में जानने की कोशिश किया। क्या किया भाई? इन्होंने कहा इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। इसके स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। इनका काम होता है हेल्प इनटू द पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल, हेल्प इनटू द पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल, है ना, इन द फॉर्म ऑफ vesicles, in the form of vesicles synthesized by endoplasmic reticulum। यानी जो endoplasmic reticulum protein या जो है lipid का synthesis किया है उसको ये pack करते हैं, और किस form में pack करते हैं? तो vesicles के form में pack करते हैं। तो Golgi body का काम क्या होता है? गॉल्गी बॉडी का काम होता है पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंड द फूड विच इज सिंथेसाइज बाय व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फूड सिंथेसाइज करता है उसी को ये क्या करता है? वेसिकल्स के फॉर्म में स्टोर करता है अपने अंदर। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना अगर समझ में आ गया तो गॉल्गी बॉडी का एक काम और जान लीजिए कि ये जो है वो लाइसोसोम्स का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? लाइसोसोम्स का सिंथेसिस करता है, या ऐसे कह सकते हो कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है।
it will also form lysosome. अच्छा एक चीज और जान लीजिए, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन है ना और ग्लाइकोलिपिड का भी सिंथेसिस करता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का भी सिंथेसिस करता है, ये बात भी आपको दिमाग में बैठानी चाहिए। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करता है, ये लाइसोसोम्स बनाता है, ये वेसिकल्स के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए फूड को स्टोर करता है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को सिस्टर्नी और उसका जो सर्च किया था उसका नाम था कैमेलियो गोल्गी। चलिए अब हम सीखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या है बच्चों, एक गुब्बारे में जैसे पानी भर दिया जाता है या अगर होली खेले होंगे आप लोग तो देखा होगा कि उसमें जो है गुब्बारे में रंग भर के फेंकते हैं, उसी तरह से यहाँ क्या है कि गुब्बारे के अंदर मान लीजिए कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाने का काम कौन करता है, गॉल्गी बॉडी करती है। अब ये जो है लाइसोसोम्स जो है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है और जब ये बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, ठीक है, तो उस रास्ते में जो कुछ भी खतरनाक चीज जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया या किसी भी चीज को उसको पचाना होगा, जो उसको जरूरत होती है वहां, तो वो क्या करता है वो उनको पचा जाता है, उस पर जाएगा टकराएगा और फट जाएगा। लेकिन अगर इसको कोई नहीं मिलता है पचाने के लिए तो क्या करता है, खुद ही को पचा लेता है, इसलिए सुसाइडल बैग इसको कहते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स के बारे में क्या जानते हैं लोग, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन, क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, ठीक है, इसमें लगभग 45 तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो किसी भी चीज का डाइजेशन करने में सक्षम होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हमारे बॉडी में हो उनका डाइजेशन ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इन्हें कोई नहीं मिलता है डाइजेस्ट करने के लिए तो खुद ही को पचा जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल है ना, सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट लाइसोसोम्स। बात करते हैं वैक्यूल के बारे में, बात अगर हम वैक्यूल के बारे में करते हैं तो वैक्यूल जो होता है प्लांट के सेल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, वैक्यूल जो है प्लांट के सेल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, कहते तो 90% हिस्सा होता है, जो प्लांट के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन एंड वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में बड़ा हेल्प करता है। इसके सेल वाल जो है, सॉरी जो है वैक्यूल की जो वाल होती है, दीवार होती है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट नाम ही है, टोनो मतलब टोन मेंटेन करना, टोन मतलब कंसंट्रेशन मेंटेन करना, पढ़ेंगे आगे हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपरटोनिक, अब एक्सप्लेन अबाउट इट, ठीक है। पर टोनोप्लास्ट जो है इसकी कवरिंग है और इसके अलावा अगर एनिमल की बात करें तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, और फूड वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है, कौन सा वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल पाया जाता है। बहुत आसान है, क्या कहा गया कि जो टोनोप्लास्ट होता है इट इज आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल, इसके अलावा अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, इट हेल्प इन टू द ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है शरीर के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना और बाकी और सिस्टम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ये अमीबा नाम के प्राणी के अंदर पाया जाता है और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है जो वाटर की कंसंट्रेशन को इनके अंदर मेंटेन रखता है, यानी वही काम करता है जो हमारे बॉडी में किडनी करती है, ठीक है। बात फूड वैक्यूल भी गए तो ये वो काम करता है जो हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल करता है, तो ये पूरा डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल एंड दिस इज अ वैक्यूल विच इज फाउंड इन टू द प्लांट एंड इट इज हैविंग 90% ऑफ द एरिया ऑफ द प्लांट सेल। सो दिस इज अबाउट वैक्यूल। सो हियर फोर सेल ऑर्गेनेल्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, या चार सेल ऑर्गेनेल एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम पाया जाता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो स्टेरॉयड हार्मोन और लिपिड का सिंथेसिस करेगा। और अगर इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं तो ये लोग जो खाना बनाते हैं उसको गॉल्गी बॉडी अपने अंदर वेसिकल्स के फॉर्म में स्टोर करती है और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस भी करती है और लाइजोजोम्स बनाती है। लाइजोजोम एक सिंगली मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो शरीर में आने वाले बैक्टीरिया वायरस यानी फॉरेन पार्टिकल को एंटीजन को मारने में हेल्प करता है और साथ में शरीर में जो भी हार्मफुल चीजें होती हैं उनको बचाने में या यूजफुल चीजें जिनको हमको डाइजेस्ट करना होता है ब्लड में हमारे, है ना, उनको डाइजेस्ट करके सिंपलिस्ट फॉर्म में तोड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन अगर को कोई पचाने के लिए नहीं मिलता है तो कुछ ही समय बाद ही अपने आप को खुल जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम सीखेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिसमें की तीन सेल ऑर्गेनेल एक साथ काम करती है, नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या है प्लास्टिड थोड़ा समझते हैं, यानी प्लास्टिड को हम तीन हिस्से में बांटेंगे। ये है हमारा प्लास्टिड, ठीक है, और प्लास्टिड को हम तीन हिस्से में बांटेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, और तीसरा है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, तीसरा है हमारा क्या ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये तीन सेल ऑर्गेनेल्स हमारे प्लास्टिड के अंदर पाई जाती है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज आल्सो नोन एज द किचन ऑफ प्लांट सेल, है ना, ये क्या है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है और इसे हम किचन ऑफ प्लांट सेल कहते हैं। बात को और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश किया जाए तो ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे क्वाइन जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम थैलेकॉइड कहते हैं। थैलेकॉइड एक एक क्वाइन जैसे स्ट्रक्चर क्या है, थैलेकॉइड है, बहुत सारे थैलेकॉइड मिलकर ग्राना बनाते हैं, लगभग 40 से 50, है ना, ग्राना बनाते हैं। एक थैलेकॉइड स्ट्रक्चर यहाँ भी मेंटेन कर देते हैं, ये भी ग्राना हो गया, और इन दोनों को जोड़ने के लिए स्ट्रोमल लैमेली पाई जाती है, स्ट्रोमल लैमेली पाई जाती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो देख रहे हैं ये खाली हिस्सा, इसको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ लाइट पड़ती है, यहाँ सोलर एनर्जी आती है, ठीक है, और जब यहाँ लाइट पड़ती है तो यहाँ से एनर्जी यानी एटीपी और जो है आपका एनएडीपी नाम का एक केमिकल बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं समझना आपको, यहाँ बस आप जानिए कि एनर्जी बनता है, ठीक है, एनर्जी बनता है और उस एनर्जी को फिर जो है यहाँ डार्क रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन का मतलब समझते हैं, यहाँ जो है ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा, तो स्ट्रोमा के अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है और ग्राना जो देख रहे हैं यहाँ लाइट रिएक्शन होता है, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसी एनर्जी को लेकर के डार्क रिएक्शन किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। कैसे होती है, एटमॉस्फेयर से 6 कार्बन डाइऑक्साइड यानी पवन देव से 6 कार्बन डाइऑक्साइड, धरती माटा से 12 पानी लेकर के सूरज भगवान के प्रेजेंस में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल नाम के स्ट्रक्चर के अंदर, क्लोरोफिल नाम के स्ट्रक्चर के अंदर, है ना, हम लोग फोटोसिंथेसिस की घटना को, हम लोग नहीं प्लांट फोटोसिंथेसिस की घटना को अंजाम देते हैं और बनाते हैं C6H12O6 और 6 पानी निकालते हैं और साथ में 6 ऑक्सीजन गैस भी निकालते हैं। तो दिस इज अ व्हाट केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो दिस इज अबाउट क्लोरोप्लास्ट, ये तो रहा किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और क्लोरोप्लास्ट साइट होता है फोटोसिंथेसिस का, ये रहा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसे हमने ग्राना कहा, इसको स्ट्रोमल लैमेली कहा और पूरे स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रोमा कहा, और ये भी आपको फोटोसिंथेसिस होते हुए नजर आ रहा होगा। दिस इज द व्हाट केमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, हियर 6 कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद 12 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल एंड मेक ग्लूकोज 6 वाटर एंड 6 ऑक्सीजन। सो दिस इज अबाउट क्लोरोप्लास्ट एंड सेकंड थिंग अबाउट वी हैव टू फोकस हियर क्लोमोप्लास्ट। आपने हरे टमाटर को लाल होते हुए देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा, जरूर देखा होगा आपने, जो है हरे मिर्चे को लाल होते देखा होगा आपने, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर भी देखे होंगे अगर आप धरती पर रहते हैं तो। समझ आ रहा है, यानी कहने का सेंस क्या है कि जितने भी कलरफुल पार्ट अगर प्लांट के अंदर हमें नजर आते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट,
यानी क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट के अंदर कलरफुल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो जो भी हो। तो क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरफुल स्ट्रक्चर इन द प्लांट, बस खत्म। और क्या है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, यहाँ फूड स्टोर होता है, क्या होता है, फूड स्टोर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो लेट्स सी फर्दर। ये तो रहा प्लास्टिड के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट माइटोकॉन्ड्रिया। किसके बारे में बात करेंगे अगर, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से हमने पूछा तुम्हारा क्या हाल चाल, इसने कहा मेरा हाल चाल तो ठीक ठाक। मैंने कहा कुछ अपने बारे में बताओ। मैंने कहा, उसने कहा आई एम पावर हाउस ऑफ सेल। हमने ये कहा है पावर हाउस ऑफ सेल क्यों, कहा भैया देखिए हमारे यहां जो है साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन है, यानी कि जो है यहां एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। हमने कहा वो कैसे होता है, कह देखिए जो एनोरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, और जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो कहाँ होता है, वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, ग्लूकोज की मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ करके एनर्जी निकाली जाती है। और आपको बता दें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो 6 CO2 निकालता है, 6 H2O भी निकालता है, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, सौभाग्यपूर्ण बात के लिए 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकालता है। इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, ATP में बदलते हैं। एक ने कहा ऐसा कहा है कि इस एनर्जी को नहीं यूज कर जाएंगे। हमने कहा गेहूं पैदा करते तो गेहूं बेच के कार खरीदते हो, गेहूं वाली जगह कार खरीद के आ जाते हो। ये समझे भाई, गेहूं पैदा होता है तो क्या करते हैं, गेहूं बेचते हैं तब पैसा आता है, करेंसी या एनर्जी आती है, करेंसी आता है तब जाके कार खरीदते हैं। तो यही चीज यहां भी है, पहले एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो उसको करेंसी में बदला जाता है, इसीलिए ATP को क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं, और उसको करेंसी ऑफ एनर्जी में बदलते हैं तो 673 किलो कैलोरी से मात्र 38 ATP बनता है। बाकी इसके बारे में चर्चा 10th में भी करेंगे, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ सेल हो गया भैया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं, कॉल्गी को सिस्टर भी कहते हैं। यहां क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो यहां जो है क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्रिस्टी क्या है, समझ में आया कि नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, और यहाँ ATP बनता है, और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को सिस्टर्नी कहते हैं। एक चीज और जान लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम 70S का और DNA जो है वो सर्कुलर पाया जाता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है वो कह सकते हो कि प्लांट के प्रोकैरियोटिक स्पीशीज के जैसा होता है, और साथ में इनके अंदर खुद का DNA होता है ना, कॉन्ड्रियोजीन और प्लास्टोजीन नाम से इनका खुद का जीन भी होता है, खुद का DNA होता है, ठीक है, इसीलिए हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, ठीक है, और इनके अंदर प्रोकैरियोटिक बिहेवियर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम न्यूक्लियस से बात करते हैं। देखिए न्यूक्लियस इज अ डबली मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्रोमैटिन धागा निहित होता है, जिसके अंदर क्या, क्रोमैटिन धागा पाया जाता है, दिस इज अ क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है, उसके अंदर क्या, क्रोमैटिन धागा पाया जाता है जो कंडेंस होता है, क्या होता है, कंडेंस होता है मेटाफेज पे, सेल साइकिल आप पढ़ेंगे, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज, सिंपली कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है मेटाफेज स्टेज में, ये माइटोसिस है।
देखो माइटोसिस और मियोसिस दो तरह का सेल डिवीजन होता है, बताया था। माइटोसिस में जो सेल बनती है वो आइडेंटिकल बनती है पेरेंट्स के जैसा, मानी मेन सेल के जैसा। और मियोसिस में क्या होता है कि जो सेल बनती है, जो उसका पेरेंट सेल होता है उसके रिस्पेक्ट में जो डॉटर सेल बनती है उसका क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि मियोसिस में क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है और माइटोसिस में आइडेंटिकल सेल बनती है। शरीर में जितने भी डिवीजन होते हैं वो सब माइटोसिस होते हैं, लेकिन जब गैमिट बनाना होता है तब मियोसिस होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम लोग माइटोसिस मियोसिस पे चर्चा करेंगे, पर सिंपली इतना समझ के चल रहा है कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती है, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती है, और मियोसिस में क्रोमोजोम का नंबर आधा हो जाता है और माइटोसिस में क्रोमोजोम नंबर आइडेंटिकल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, तुमसे जैसा का तैसा रहती है, ठीक है। तो ये समझना है। तो अब देखिए जब सेल डिवीजन होता है तो जो मेटाफेज स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चार स्टेज होते हैं। मेटाफेज स्टेज पे कंडेंस होकर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्रोमोजोम कहते हैं। ये है उसका सेंट्रोमेयर, है ना, और इसको बोलते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। ये है क्रोमैटिड, और ये जो दिख रहा है मुड़ा हुआ है वो डीएनए होता है। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जीन होता है, और हर काम के लिए अपना अपना जीन होता है। जीन हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक तरह का प्रोटीन सिंथेसिस करता है जिससे हमारा उस तरह का बिहेवियर डिसाइड होता है। बहुत आसान सी बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोजोम, एंड नाउ वी टॉक अबाउट अ न्यूक्लियोलस। एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ और भी होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोलस होता है बच्चों, इट इज द साइट ऑफ जो है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। यहाँ आरएनए बनता है और ये एमआरएनए बाहर आकर के प्रोटीन बनाता है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन बनता है। ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक अगर सेल है तो एमआरएनए जो है न्यूक्लियोलस बनाता है, आरएनए न्यूक्लियोलस बनाता है, और वही आरएनए फिर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर से आता है और आकर के फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो। सो वी विल मीट अगेन, फिर मिलते हैं, एक नई शुरुआत, नई दिशा, नए जोश और जुनून, और क्या, नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।